losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and a slippery surface, a heart attack. Welcome back to the channel. आज हम घूमने जा रहे हैं चियोक साइड. चियोक पड़ता है फागू में, और फागू से ये तकरीबन 10 किलोमीटर की रेडियस में आता है. और आज हमारे साथ है अन्य स्टेशन का ग्रुप जो कि मध्य प्रदेश यूनिवर्सिटी में शादी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं. उन्होंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ किया, डीजे पार्टी. पहले हमारा वहाँ जाने बट फिर हमने सोचा क्यों ना हम यूनिट ज्वाइन करें. और अभी हम पिकनिक पहुँच गए हैं. यहाँ तक हमने पिकनिक शूट नहीं किया क्योंकि ये रोड वे जो मैंने आपको पुराने ब्लॉग में दिखाया है. बाकी आपसे मिलते हैं बाकी जहाँ से रुकेंगे. There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic. But miss the anxious and panic, the infinite vastness of all that is madness. Enter हो चुके हैं चियोक वैली. आप देख सकते हैं सेब के कितने प्यारे बगीचे हैं. बहुत ही सुंदर वैली है चियोक वैली. वाली जो शिमला की बेल्ट है ये जानी ही जाती है एप्पल्स के लिए. काफी अच्छी जगह है. डेंस फॉरेस्ट के बीच से रास्ता है. ये एक छोटा सा विलेज है चियोक, और वो सामने जो बिल्डिंग दिख रहा है ये है ये राजकीय आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र चियोक, और यह है ग्राम पंचायत चियोक का भवन. काफ़ी छोटा सा गांव है, छोटी सी मार्केट है, बट बहुत ही खूबसूरत वैली में बसा हुआ है. यहाँ हम एक शॉप से लेज वगैरह ले रहे हैं स्नैक्स खाने के लिए. और ये है मेरा फ्रेंड काकू. यहाँ से आगे हमारी डेस्टिनेशन 4 या 5 किलोमीटर ही है. अभी हमने जहाँ से सामान लिया वहाँ पे अंकल से हमने पूछा, 1.5 किलोमीटर आगे जाकर एक रास्ता करता है राइट साइड के लिए, हमें उसमें जाना है. और ये देखिए इस तरह के जंगल है आसपास, पेड़ ही पेड़ लगे हैं. और वो ऊपर फागू जहाँ से हम आए हैं. आज संडे है इस करके थोड़ी दुकानें बंद है और रश भी कम है. ये है गाइस जहाँ पे भी प्रेपरेशन हो रही है. अभी सब बच्चे आए नहीं है, बाकी बच्चे अभी रास्ते में हैं, बट ये जंगल में है. एक्चुअली थोड़ा सा यहाँ पर मिसकम्युनिकेशन की वजह से ना जगह हमारे को थोड़ी सी चेंज करनी पड़ी. जहाँ पे ग्राउंड था वहाँ पे ना एक्चुअली मैच बसेस भी आ गई हैं पिकनिक के लिए. 2 बसेस पहुँच गई है. काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं मिला आपको अपने एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी निखिल से. हेलो गाइस. और ये हमारे काकू जी. कुछ इस तरह का एक्साइटमेंट है. फाइनली हम अपनी लोकेशन में पहुंच गए थे. एक्चुअली थोड़ा सा चेंज है लोकेशन में, मैं आपको वो बाद में बताऊंगा आगे की स्टोरी. फिलहाल मैं दिखाता हूं किस तरह की प्रेपरेशन चल रही है एसोसिएशन की तरफ से. वैसे एक्चुअली मैं ना ये वाला प्लेस डिसाइड किया था पिकनिक के लिए, बट थोड़ा मिसकम्युनिकेशन जो गाँव के प्रधान के साथ है उसकी वजह से हमारे को प्लेस चेंज करना पड़ा. अब यहाँ पे सिर्फ लंच का प्रोग्राम किया है. यहाँ पे सिर्फ लंच के लिए अब आए हैं और लंच के लिए लोगों को खाना.
losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless night of the past. I close my eyes. गाइस बहुत ज़्यादा धोखा दे दिया और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है और ऊपर से हम बाइक पे आए हैं। अब देखते हैं क्या होता है। अभी तो हम गाड़ी में जा रहे हैं, एक ये है एक वो है। गाइस हमने फाइनली डिसाइड किया कि हम यहाँ से वापस जाएंगे। अब रास्ते में सर कोई ब्लॉग नहीं होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। गाइस बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर हो गया आज, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और हम यहाँ फंस गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हो गाइस ओले पड़ रहे हैं। मैं एक्चुअली वहाँ आगे तक चले गया था, आपने मुझे दिखा दिया, मेरे को बहुत बारिश हो रही है तो यू टर्न लेके वापस आ गया यहाँ तक। अब मैं यहाँ पे बाइक पार्क कर दी है और यहाँ पे टेम्पल में रुक गया हूँ। यहाँ पे राहुल और ये बंटी भाई अपने एकातु भाई नहीं जानते हो, और कैमरा के पीछे हमारी ईशु भाई, और यहाँ हम अभी ठंडी में चाय पीने के लिए रुके थे थोड़ी देर। जिस ब्रो के साथ हम गाड़ी में आए थे वो अभी सिंजौली तक गए काम से, और यहाँ पे रुके हम ढाबे में, थोड़ा अभी रेस्ट अप कर रहे हैं और मैं पूरा भीग गया हूँ जितना आप देख सकते हो। हेलो फ्रेंड्स चाय पी लो। हेलो फ्रेंड्स चाय पी लो। There's magic, believe you could have it, and I know of sadness, the anxious.